समाज का आईना मेरी कहानियां। मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग एक विचार पर मुझे फॉलो करें। दोस्तों, मैं मुकेश आर्य एक विचार के तहत आज लेकर आया हूं मेरी नई कहानी रिटायरमेंट का गिफ्ट। उम्मीद करता हूं पसंद आएगी। राजकुमार जी के रिटायरमेंट के उपलक्ष में एक बहुत शानदार फंक्शन किया गया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। इससे पहले शायद ही किसी के रिटायरमेंट में इतने लोग आए हों। सफाई कर्मचारी से लेकर क्लास वन ऑफिसर तक इस रिटायरमेंट के कार्यक्रम में मौजूद थे। पूरा हॉल फूलों से सजाया गया। हॉल के एक कोने में डीजे भी लगाया गया। खाने पीने की बेहतरीन तैयारी की गई थी। वैसे तो राजकुमार जी सरकारी विभाग में हेड क्लर्क थे, लेकिन उनके विभाग में उनकी प्रसिद्धि बहुत थी। हॉल में सभी को संबोधित करते हुए उनके बारे में कसीदे पढ़े गए। उनको बहुत से गिफ्ट भी दिए गए, लेकिन एक व्यक्ति जिस पर सभी की नजर थी कि वह राजकुमार जी को क्या गिफ्ट देंगे और उनके बारे में क्या कहेंगे, और वह व्यक्ति थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुभव आर्य। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि डीएम साहब आज राजकुमार जी के बारे में क्या कहेंगे और उनको क्या गिफ्ट देंगे। जैसे ही डीएम साहब खड़े होकर बोलना शुरू किए, सारे हॉल में सन्नाटा पसर गया। डीएम साहब ने राजकुमार जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और उनको एक पुस्तक भेंट की। पुस्तक भेंट करते हुए उन्होंने राजकुमार जी को कहा, मुझे मालूम है राजकुमार जी, जो पुस्तक मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, आप इस पुस्तक के रचयिता से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन मैं इस विश्वास के साथ आपको यह पुस्तक दे रहा हूँ कि अब आपको इस पुस्तक को पढ़ने की बहुत जरूरत होगी। और याद रखना राजकुमार जी, यह पुस्तक आपका जीवन बदल देगी। मैं यह नहीं कहूँगा कि इस पुस्तक को आज ही पढ़ो, आपके पास जब भी समय हो और आपको लगे कि अब वह पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए, तब इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। जैसे ही डीएम साहब ने अपनी बातें समाप्त की तो हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बड़ी धूमधाम से राजकुमार जी का रिटायरमेंट का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभा ने उत्तम प्रकार के भोजन किए। राजकुमार जी अपने बच्चों, रिश्तेदारों और कुछ मित्रों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ साथ चलते अपने घर तक पहुंचे। घर में शानदार जश्न मनाया गया। राजकुमार जी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हैं। एक बेटा अध्यापक तो दूसरा इंजीनियर है। दोनों बेटे की शादी हो चुकी है तथा 5 पोते पोती हैं घर में। बेटी की शादी भी इंजीनियर लड़के से ही की है। उनके यहाँ भी 3 बच्चे हैं। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग मकान बनाकर दे रखे हैं। सारी संपत्ति बच्चों के नाम पर कर दी है। एक 50 गज का छोटा सा मकान अपनी के पत्नी के नाम पर रख छोड़ा है, जिसमें किराएदार रहते हैं। कुल 11 लोगों का संयुक्त परिवार है राजकुमार जी का। रिटायरमेंट के बाद अब राजकुमार जी को फुर्सत मिली है परिवार के साथ समय बिताने की। इसके पहले तो कभी परिवार के साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिलता था। सुबह जल्दी ड्यूटी के लिए निकलना और रात को वापस आना। सप्ताह में 1 रविवार का दिन छुट्टी का दिन होता था, लेकिन उस 1 दिन में इतने सारे काम होते थे कि उस दिन तो रविवार के दिन भी परिवार का साथ बिताना संभव नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब से राजकुमार जी रिटायर हुए हैं, तब से वह अपना पूरा समय परिवार एवं बच्चों के साथ ही बिताते हैं। अब तो मानो राजकुमार जी फिर से बच्चे बन गए हों। बच्चों के साथ खेलना, बैठना और उनसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता था। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलता चला गया। वह बात बात पर बेटों को, बहुओं को और बच्चों को टोकने लगे। घर में जो भी काम उनके तरीके से नहीं होता तो वह उसके लिए परिवार वालों को बोलने लगे, जिसको लेकर परिवार में तल्खी पैदा होने लगी। शुरू शुरू में तो किसी ने उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन परिवार वालों को व्यक्तिगत जीवन में राजकुमार जी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था और वह उनको इसके लिए बोलने लगे। अब तो बात बात पर बेटे भी पिताजी को कुछ न कुछ सुनाने लगे। जो बहुए कभी अपने ससुर के सामने मुंह तक नहीं खोलती थी, वह भी आजकल बड़बड़ाते हुए उनको बीच बीच में टोक देती थी।
छोटे बच्चे भी दादाजी को उल्टा सीधा कह देते। जब राजकुमार जी की पत्नी उनका सपोर्ट करती तो बहुएं अलग रहने की धमकी देने लगती। अब तो घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। राजकुमार जी को लगने लगा था कि मैंने जिन बच्चों के लिए सारी उम्र कमाया है, लोग उसे बेईमानी कर करके जिन बच्चों के लिए जोड़ा है, अपना पेट काट काट कर जिन बच्चों का पेट पाला है, आज वही बच्चे मुझे आग दिखाने लगे हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में नहीं किसी जेल में रह रहा हूं। घर में यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना भी मानो सजा हो गई हो। अब तो राजकुमार जी का मन घर में नहीं लगता। वह एक दिन पार्क में घूमने के लिए चले गए तो उन्होंने वहां देखा कि पार्क में बहुत से लोग अलग अलग ग्रुप बनाकर ताश के पत्ते खेल रहे हैं। उनके भी मन में इच्छा हुई कि आज मैं उन लोगों के पास बैठ जाता हूं। राजकुमार जी उन लोगों के पास जाकर बैठ गए। वह सभी राजकुमार जी को जानते थे। नौकरी पर रहते रहते राजकुमार जी ने पैसे के साथ साथ इज्जत और शोहरत भी कमाई थी। उनको अपनी कम्युनिटी के लोग मिल चुके थे। अब तो वह हर रोज सुबह घर से निकलते और पार्क में जाकर ताश खेलते रहते। पूरा दिन वहीं बैठकर लोगों के साथ गप्पे हांकते तथा ताश खेलते रहते। पार्क में जितने भी राजकुमार जी के हम उम्र लोग थे, लगभग सभी वह लोग थे जो रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाए। समाज में इतनी इज्जत और सम्मान होते हुए भी राजकुमार जी को वह सम्मान घर में नहीं मिलता था, जिसका दुख उन्हें हमेशा रहता। एक दिन वह बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। सभी की कहानी लगभग उन्हीं के जैसी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि परिवार वाले हमसे परेशान हैं या हम परिवार वालों से परेशान हैं। उन्होंने खाली समय में सुबह सुबह हर रोज रामायण पढ़ना आरंभ कर दिया, लेकिन जब वह रामायण वाले चरित्र अपने घर में तलाशने की कोशिश करते तो उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे चरित्र अपने घर में दिखाई नहीं देते। धीरे धीरे महीने बीत गए। रामायण का पाठ पूरा हो चुका था। मन बहुत दुखी था। कभी कभी तो दिल में आता कि घर छोड़कर कहीं चले जाएं। एक दिन अपनी अलमारी की सफाई करते करते उनके हाथ में वह लिफाफा आया जिसमें डीएम साहब की दी हुई पुस्तक थी। उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक निकली, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसलिए राजकुमार जी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वह सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि इस पुस्तक में कुछ न कुछ तो ऐसा है जो पढ़ने लायक है। यदि ऐसा न होता तो डीएम साहब मुझे यह पुस्तक भेंट न करते। चलो, दयानंद सरस्वती से नफरत ही सही, डीएम साहब के कहने पर एक बार तो इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ ही लिया जाए, राजकुमार जी ने मन ही मन सोचा। और राजकुमार जी सत्यार्थ प्रकाश को लेकर पार्क में आ गए। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब तो राजकुमार जी उस सत्यार्थ प्रकाश को रोजाना पढ़ने लगे। एक बार पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद राजकुमार जी ने सत्यार्थ प्रकाश को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बार पढ़ा। जिस दयानंद सरस्वती को वह सारी उम्र गालियां देते रहे, आज वे उन्हीं महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हो चुके थे। आज उन्हें अपने रिटायरमेंट का अर्थ समझ में आया और वह सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा के अनुसार संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए। सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षा लेने के बाद राजकुमार जी ने अपनी उम्र के लोगों का एक संगठन तैयार किया और वह धर्म की शिक्षा अपनी कॉलोनियों के साथ साथ दूसरी कॉलोनियों में भी फैलाने लगे। वृद्धों के साथ साथ उन्होंने युवाओं का भी एक संगठन तैयार किया और धर्म के लिए कार्य करने लगे। अब वह एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे। परिवार में सब बहुत अच्छा चलने लगा। यज्ञ करने के बहाने ढूंढे जाने लगे। अब तो राजकुमार जी और उनके परिवार की ख्याति पहले से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का आदर्श हो चुके थे राजकुमार जी। अपनी कॉलोनियों में गरीबों तथा युवाओं का आत्मनिर्भर बनाना, बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने लोगों से चंदा इकट्ठा कर गुरुकुल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। अब तो उनका बेटा भी अपनी नौकरी छोड़ पिता के साथ गुरुकुल में शिक्षा देने लगा और एक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। अब पार्क में पहले की तरह ताश के पत्ते का खेल नहीं खेला जाता। अब तो पार्क में अष्टांग योग की कक्षाएं चलती हैं, धर्म पर विवाद चलता है, स्वयं सहायता समूह की योजनाएं बनाई जाती हैं,
यकीन नहीं आता कि इस पुस्तक में ऐसा क्या जादू है जो यह इतना परिवर्तन ला सकती है। मेरे विचार में हर व्यक्ति को कम से कम एक बार सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह पुस्तक आपका जीवन बदल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।